रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से, आपकी डिग्री के हवाले बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे 25 इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री, यानी कि आज मैं आपको बताऊँगी 25 ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। सो इनको वन बाय वन हम देखेंगे। मैं आपको बताऊँगी कि ये कहाँ पर कंडक्ट हुए, कि इन्होंने कंडक्ट किए और इनकी डिटेल्स क्या थी, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। दिस इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट स्टिल बीइंग टॉट टू साइकोलॉजी स्टूडेंट ऑफ टुडे, यानी कि साइकोलॉजी के जो बच्चे हैं, साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको स्टिल ये पढ़ाए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीएससी और सीएसएस और इसके अलावा जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है आर क्लास डिवाइडेड। अब इट इज कंडक्टेड बाय, यानी कि कंडक्ट किन्हों किया था, जेन एलियट ने किया था। और ये कंडक्ट कहाँ पे हुआ था, ये कंडक्ट हुआ था 1968 में इन अलोवा क्लासरूम। अब इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स क्या थी जी। द थर्ड ग्रेड टीचर डिवेलप एन एक्सरसाइज टू हेल्प हर कंटिजेंट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ रेसिसिज्म एंड प्रेजुडिस, यानी कि ये तासुब के बारे में और रेसिसिज्म के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक एक्सरसाइज की गई थी जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है ये स्टीरियोटाइपिंग में और इसके अलावा जो भी बायसेस हैं उनमें स्टडी करने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो है एश कन्फर्म स्टडी। द स्टडी कंडक्टेड बाय द डॉक्टर सोलोमन एश, स्टडी कंडक्टेड इन 1951 एट द शर्वर्ट मोर कॉलेज। डिटेल्स क्या है, दैट वॉज डिजाइन टू इवेलुएट अ पर्सनस लाइकलीहुड टू कन्फॉर्म टू अ स्टैंडर्ड वेन देयर इज़ अ प्रेशर टू डू सो, यानी कि किसी बंदे पर जब कोई प्रेशर दिया जाता है तो वो किस तरह से उस स्टैंडर्ड को मीट करता है या उसको जाकर फॉलो करता है, कन्फर्म करता है। इसको जी एश कन्फर्मिटी स्टडी के दौरान, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो परफॉर्म किया गया था, ठीक है जी। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है इसका नाम आपने शायद सुना होगा, ये है जी बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट जो था वो डॉक्टर एल्बर्ट बिंदूरा ने किया था। स्टडी कंडक्टेड बिटवीन द 1961 टू 1963 एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। डिटेल्स, एल्बर्ट बिंदूरा कंडक्टेड द बोबोडोल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बिहेवियर इज लार्जली बेस्ड ऑन सोशल इमिटेशन रादर देन इनहेरिटेंट जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि जो इनकी थ्योरी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, उनमें भी ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसमें इमिटेशन का जिक्र किया गया है। इमिटेशन होती है यानी कि जो हम जो बच्चा किसी भी बिहेवियर को सीख लेता है, ये ऐसे बिहेवियर जो कि अननेसेसरी होते हैं उनको सीख लेता है, वो जेनेटिकल फैक्टर्स नहीं होते बल्कि वो इमिटेशन से होते हैं, यानी कि थ्रू लर्निंग, सोशल लर्निंग के थ्रू होते हैं। तो ये जी एक्सपेरिमेंट था एल्बर्ट बंडूरा का। फोर्थ एक्सपेरिमेंट है जी कार क्रश एक्सपेरिमेंट। स्टडी कंडक्टेड बाय द एलिजाबेथ लुटफर्स एंड द जॉन। स्टडी कंडक्टेड इन द 1974 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अब डिटेल्स इसकी क्या है, इन द 1974 कार क्रश एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइन टू एलुएट वेदर वर्डिंग क्वेश्चन अ सर्टन वे वुड इन्फ्लुएंस अ पार्टिसिपेंट रिकॉल बाई ट्विस्टिंग देयर मेमोरीज ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, यानी कि इसमें देखा गया था कि जो क्वेश्चन की वर्डिंग होती है वो किस तरह पार्टिसिपेंट की रिकॉलिंग को इन्फ्लुएंस करती है किसी भी इवेंट को प्रोनाउंस करने में या रीटेल करने में, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद फिफ्थ वन हमारे पास है कॉग्निटिव डिसोनेंस एक्सपेरिमेंट। स्टडी कंडक्टेड बाय लियो फिनस्टिंगर। स्टडी इन कंडक्टेड इन 1957 एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब इसकी डिटेल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सोशल साइकोलॉजी में जी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है इसकी और इसका एक्सपेरिमेंट है, इसका हम डिटेल देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव रिजोनेंस रेफर टू अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स बिलीव एंड बिहेवियर्स। दिस कन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस एन इनहेरिटेंट फीलिंग ऑफ डिसकम्फर्ट लीडिंग टू द चेंज इन वन ऑफ द एटीट्यूड बिलीव बिहेवियर और एलिमिनेट द डिसकम्फर्ट और रीस्टोर बैलेंस। यानी कि जी इसमें बताया गया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस होती क्या चीज़ है, यानी कि जब हमारे ख्यालात में, हमारे रवैयों में, हमारे बिहेवियर्स में इख्तलाफात आ जाते हैं और हमारी माइंडसेट कुछ और होता है, हम करना कुछ और चाह रहे होते हैं, वो कुछ हो जाता है, तो जो डिसोनेंस आती है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और वो किस तरह लोगों के जो बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं, उनको डिसकम्फर्टली चेंज कर देती है या उनको मिनिमाइज़ करती है, किस तरह से जो है बंदा कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करके उसको मिनिमाइज़ करता है और डिसकम्फर्ट और बैलेंस को रीस्टोर करता है, ठीक है जी। सिक्स्थ वन हमारे पास है दी फ्रेंड्स लुकिंग चैम्बर। स्टडी कंडक्टेड बाय द रॉबर्ट लिफ्लेंस।
study conducted in 1961 in the University of Illinois. Details: this experiment was conducted few way of to view to study what is going to on the mind of in an infant. अच्छा ये जो था ये infant के ऊपर हुआ था, यानी कि छोटे बच्चों पर ये experiment हुआ था. Friends realized that the best way to figure out the puzzle was to simply watch the action and reaction of the infant. यानी कि उन्होंने कहा था कि हम बच्चे का mind नहीं पढ़ सकते, बहुत मुश्किल है, तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि उसके action और reactions को देख कर हम उसके माइंड को रीड कर सकते हैं. ही अंडरस्टूड अ फंडामेंटल फैक्टर दैट है दैट इफ देयर इज समथिंग ऑफ इंटरेस्ट नियर ह्यूमन दे जनरली लुक एट इट. यानी कि वो देखते, उन्होंने ये बताया था कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं उनको किस तरह से एक ह्यूमन जो है वो देखता है. सेवेंथ वन है हॉर्नथ्रोन इफेक्ट, स्टडी कंडक्टेड बाय हेनरी. स्टडी कंडक्टेड इन 1955 एट हॉर्नवंथ वर्क इन द शिकागो. स्टडी टेल्स क्या हैं जी इसकी? दिस इफेक्ट इज अ सिंपल प्रिमाइस दैट ह्यूमन सब्जेक्ट इन एन एक्सपेरिमेंट चेंज देयर बिहेवियर सिंपली बिकॉज दे आर बींग स्टडी. इफेक्ट सिंपली स्टडी किया था जिसमें यह बताया गया था कि अगर पता चल जाए कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं उनका बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस तरह से चेंज हो जाता है. तो ये था जी हॉर्नथ्रोन फैक्ट जो कि स्टडी किया गया था. ठीक है जी, एट्थ वन हमारे पास है कैटी गिनोविस केस, स्टडी कंडक्टेड बाय द न्यूयॉर्क पुलिस फोर्स. एक ये एक केस स्टडी है, ठीक है जी, कंडक्टेड इन 1964 इन द न्यूयॉर्क सिटी. डिटेल क्या है जी? द केस द मर्डर केस ऑफ कैटी गिनोविस वाज नेवर इंटेंडेड टू बी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, हाउएवर इट एंडेड अप हैविंग सीरियस इंप्लिकेशन फॉर द फील्ड. यानी कि ये जो केस था इसको क्या था, ये एक मर्डर केस था और इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव नहीं किया गया था, बल्कि ये केस था इसको स्टडी किया गया था एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा सीरियस इम्प्लीमेंट आए थे, इम्प्लीकेशंस आई थी फील्ड के ऊपर. अब जी हम बात करते हैं नाइन्थ वन के लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक्सपेरिमेंट. स्टडी कंडक्टेड मार्टिन सेलिगमैन, स्टडी कंडक्टेड इन द 1965 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिविया. कंडक्टर्स डिटेल्स क्या हैं? द कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द क्लासिकल कंडीशनिंग द प्रोसेस बाय विच एनिमल एंड ह्यूमन एसोसिएट वन थिंग विद एन अदर. इसमें जी ह्यूमन एसोसिएशन ऑन एनिमल एसोसिएशन, यानी कि जो किस तरह से थॉट को एसोसिएट करते हैं उनके बारे में बताया गया था. ठीक है जी, अब टेंथ वन जो है उसके बारे में हम बात करते हैं लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट. लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट बिहेवियरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, कंडक्टेड बाय द जीयूएजीबी वॉटसन एंड द रोजली नेरन, यानी कि उनकी वाइफ, और उन्होंने ये किया था. द स्टडी कंडक्टेड इन 1920 एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी. डिटेल्स: द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी अमंग द मोस्ट अनएथिकल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑल द टाइम. द हाइपोथेसिस वाज दैट टॉट टू अ सीरीज ऑफ पेयरिंग दे वुड बी कंडीशन दे वर कंडीशन अ 9 month ओल्ड चाइल्ड टू डेवलप एन इरेशनल फेयर. इसमें जी एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि बहुत ही अनएथिकल एक्सपेरिमेंट समझा जाता है साइकोलॉजी के मेथड्स में. इसमें क्या था जी, बच्चे में इरेशनल फेयर जो था वो डेवलप किया गया था. तो एल्बर्ट जो था वो बच्चे का नाम था, उसके ऊपर ये जो है एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था. ठीक है जी, अब हम एलेवेंथ वन की बात करते हैं, मैजिकल नंबर 7, स्टडी कंडक्टेड बाई जॉर्ज ए मिलर. स्टडी कंडक्टेड इन 1956 एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. मैजिकल नंबर 7 एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट दैट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन एवरेज ह्यूमन कैन होल्ड इन वर्किंग मेमोरी इज 7 प्लस माइनस 2. व्हाट दिस मीन दैट ह्यूमन मेमोरी कैपेसिटी टोटली इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ वर्ड और कॉन्सेप्ट रेंजिंग फ्रॉम 5 to 9. यानी कि इंसान जो है वो 5 to 9 की रेंज में जो है वो वर्ड्स और स्टेरिंग्स को याद रखता है. दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ड लिमिटेड कैपेसिटी फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन बिकम वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट साइटेड पेपर इन साइकोलॉजी. ये मोस्ट हाईली साइटेड पेपर है साइकोलॉजी में, यानी कि ये बहुत ज़्यादा साइट किया जाता है, इसका रेफरेंस लिया जाता है. ठीक है जी, अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 12 की, पेल्विव डॉग एक्सपेरिमेंट. स्टडी कंडक्टेड एवन पेल्विन, स्टडी कंडक्टेड इन द 1890s एट द मिलिट्री मेडिकल एकेडमी एट सेंट पीटर्सबर्ग रशिया. अब ये जो था एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो भी मौजूद है जिसमें मैंने क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग का बताया गया है, आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं. पेल्विव experiment with the dog turned out to be one of the most pivotal experiment in all the psychology. His finding on the conditioning lead to the whole new branch of psychology of study. इन्होंने classical conditioning की दी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि हम किसी भी चीज़ को natural stimulus को जो है वो neutral stimulus से condition कर सकते हैं. dog experiment बहुत मशहूर experiment है. experiment number 13, Robert Cave experiment, study conducted by Musfer and the Carillon. study conducted in 1954 at the University of Oklahoma. the experiment
विथ स्टडी ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इज कंसीडर, इसमें जो है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात की गई थी, ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा एथिकली साउंड नहीं करता ये जो एक्सपेरिमेंट है. अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 14, रॉस फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट स्टडी. स्टडी कंडक्टेड बाय द ली रोस, स्टडी कंडक्टेड इन 1977 एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डिटेल्स एन एक्सपेरिमेंट दैट इन लई टर्म्स फोकस ऑन हाउ पीपल कैन इनकोरेक्टली कंक्लूड दैट अदर थिंक द सेम वे दे डू और फॉर्म अ फॉल कंसेंसस अबाउट द बिलीव इन द प्रेफरेंस ऑफ अदर्स. रोज कंडक्टेड इन द स्टडी इन ऑर्डर टू आउटलाइन हाउ द फॉल्स कंसेंसस अफेक्ट फंक्शन इन ह्यूमन. यानी कि ये एक बहुत कमाल एक्सपेरिमेंट है. इसमें बताया गया कि किस तरह हम ये सोचते हैं कि दूसरा भी हमारी तरह सोचेगा, हमारी तरह करेगा, और हम एक फॉल्स कंसेंसस बना लेते हैं अपने अंदर, और ये फॉल्स कंसेंसस जो होता है बाद में जाकर हमारे पर किस तरह अफेक्ट करता है. तो इसके बारे में जी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. अब जी एक्सपेरिमेंट नंबर 15, द शेटर एंड द सिंगर एक्सपेरिमेंट ऑन इमोशन. इमोशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया जादी स्टैनले स्केटर ने और जिरोम ई सिंगर ने. स्टडी कंडक्टेड इन 1962 कोलंबिया यूनिवर्सिटी. कंडक्टेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट टू प्रूव देयर थ्योरी ऑफ इमोशन. यानी कि इन्होंने जो थ्योरी ऑफ इमोशन दी थी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए किया था. अब जी एक्सपेरिमेंट नंबर 16, सेलेक्टिव अटेंशन इनविजिबल गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट. ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सुनने को बहुत ज़्यादा मिलेगा. स्टडी कंडक्टेड बाय द डेनियल सेमन एंड द क्लिस्टोफर कैरेबस. स्टडी कंडक्टेड इन द 1999 एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डिटेल्स. कंडक्टेड फेमस अवेयरनेस टेस्ट एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. पार्टिसिपेंट इन द स्टडी वर आस्क्ड टू वॉच अ वीडियो एंड काउंट हाउ मैनी पासिस अकर बिटवीन बास्केटबॉल प्लेयर ऑन द वाइट टीम. यानी कि ये एक किस्म का वीडियो एक्सपेरिमेंट था. इसमें वीडियो दिखाई गई थी और उनकी जो प्रेजेंट अटेंशन थी, प्रेजेंट अवेयरनेस थी, उसको चेक करने के लिए, ये सिलेक्टिव अटेंशन जो थी उसको चेक करने के लिए जी ये कंडक्ट किया गया था. नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टैनफोर्ड प्रिजन स्टडी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. स्टडी कंडक्टेड बाय द फिलिप्स. स्टडी कंडक्टेड इन 1971 द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डिटेल्स. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली साइटेड एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इन स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट इन विच साइकोलॉजी प्रेफर फिलिप्स सेट आउट द स्टडी अजम्पशन ऑफ रोल्स इन अ कॉन्ट्रीव्ड सिचुएशंस. यानी कि इसमें जो है कॉन्ट्रीव्ड सिचुएशन में रोल्स के बारे में जो है वो बताया गया कि उनका बिहेवियर और उनका एटीट्यूड किस तरह का होता है. तो ये जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा साइटेड है साइकोलॉजी में. यानी कि साइकोलॉजी में इसके रेफरेंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं. अब जी हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 18, स्टैनले मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट. स्टडी कंडक्टेड बाय स्टैनले मिलीग्राम. स्टडी कंडक्टेड इन 1961 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. इन 1961 स्टडी कंडक्टेड एट हेले यूनिवर्सिटी, साइकोलॉजिस्ट स्टैनले मिलीग्राम वॉज डिजाइन टू मेजर पीपल विलिंगनेस टू ओबे अथॉरिटेटिव फिगर्स वैन इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म एक्ट दे कॉन्फ्लिक्टेड विद देयर मॉरल्स. द स्टडी वॉज बेस्ड ऑन प्रमाइज दैट ह्यूमन विल इनहेरिटेंटली टेक डायरेक्शन फ्रॉम अथॉरिटेटिव फिगर फ्रॉम वेरी अर्ली इन लाइफ. यानी कि इसमें बताया गया कि हम किस तरह से जो है वो अथॉरिटेटिव फिगर्स की जो डायरेक्शन है उनको फॉलो करते हैं और किस तरह जो एक ह्यूमन होता है वो किस तरह इनहेरिटेंटली यानी विरासती तौर पर इस चीज़ पर ओरिएंट होता है कि उसने किस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है. ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 19, इसमें हम सरोगेट मदर एक्सपेरिमेंट. स्टडी कंडक्टेड बाय हैरी हार्लो. स्टडी कंडक्टेड फ्रॉम 1957 टू 1963 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन. स्टडी एक्सपेरिमेंट डिटेल्स. इन अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द लेट 1950s टू अर्ली 1960, हैरी हार्लो स्टडी द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ मदर लव फॉर के हेल्दी चाइल्ड केयर डिवेलपमेंट. ये सरोगेट मदर जो होती हैं इसमें क्या होता है कि जो होता है बेबी जो होता है वो जेनेटिकली या फिर बायोलॉजिकली डेवलप नहीं किया जाता बल्कि इम्प्लांट किया जाता है अनदर फीमेल बॉडी में. और उसके बाद जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. इसमें देखा गया था कि जो मदर लव होता है टुवर्ड हिज चाइल्ड और टुवर्ड हिज चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि जो भी बच्चे की हेल्दी डिवेलपमेंट चल रही होती है उसके अंदर, उसकी तरफ जो उसका लव होता है, उसका जो कंडक्ट होता है, उसके बारे में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 20. एक्सपेरिमेंट नंबर 20 है जी द गुड स्मार्टियन एक्सपेरिमेंट. स्टडी कंडक्टेड बाय द जॉन रेली एंड डेलन बॉस्टन. स्टडी कंडक्टेड इन 1973 इन यूनिवर्सिटी. ठीक है जी, डिटेल्स. द इन्वेस्टिगेट द पोटेंशियल कॉज द अंडरलाइज द इलेक्ट्रिक बिहेवियर द एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स सेट आउट थ्री हाइपोथीज दे वॉन्ट टू टेस्ट. अब इस टेस्ट में क्या क्या था, इलेक्ट्रिक बिहेवियर जो होता है यानी कि हम खुद से किसी की मदद करते हैं, किसी की खुशी के लिए काम करते हैं बगैर किसी फेवर के, उसको कहते हैं एल्ट्रिज्म.
तो अब इसके ऊपर, इस बिहेवियर के ऊपर जो उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको कहते हैं जी द गुड स्मार्टियन एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करें नंबर 21, द होलो इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टडी कंडक्टेड बाय रिचर्ड ई निस्बत एंड द टेमंथ डिकेम विल्सन। स्टडी कंडक्टेड इन 1977 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन। The hollow effect study that people generally assume that people who are physically attractive are more likely to be intelligent, friendly or display good judgment। यानी कि हम जो लोग देखते हैं, हम देखते हैं कि ये बंदा बहुत पुरकशिश है, जाज़िब नज़र है, तो ये ज़ाहरी बात है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा, ये इसमें बहुत अच्छे करेक्टरिस्टिक होंगे। तो इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको कहते हैं जी होलो अफेक्ट एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 22, द मार्श मेलो टेस्ट कंडक्टेड बाय द विल्टर मिचेल। स्टडी कंडक्टेड in 1972 at the Stanford University, mental details to study whether deferred ग्रेटिफिकेशन कैन बी एन इंडक्टर ऑफ फ्यूचर सक्सेस। यानी सक्सेस यानी कि हमारी जो भी खुशी होती है या डिफर्ड जो ग्रेटिफिकेशन होती है वो हमारी जो फ्यूचर सक्सेस है उसको किस तरह से इंडिकेट करती है या उसको किस तरह से उसको हम कितने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ये इस बारे में टेस्ट था। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी 23rd जो है वो है द मॉन्स्टर स्टडी स्टडी कंडक्टेड बाय वेंडल जॉनसन स्टडी कंडक्टेड इन 1939 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ आयवा। द यूनिवर्सिटीज द मॉन्स्टर स्टडी received this negative title due to the unethical method that were used to determine the effect of positive and negative speech therapy on children। yani ki ye speech therapy experiment tha jo ki bahut hi unethical way mein conduct kiya gaya tha, unethical method mein conduct kiya gaya tha, jiski wajah se iske jo hai negative title diya gaya hai। theek hai ji, 24th experiment hai violinist at the metro experiment study conducted by Washington Post study conducted in 2007 at the Washington DC metro train station detail and interesting study was conducted by the staff of Washington Post to test how observant people are, what are going to around them। यानी कि ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था कि लोगों की ऑब्जर्वेशन चेक की गई थी कि लोग अपने इर्द गिर्द कितना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये उस बारे में एक्सपेरिमेंट था। अब जी हम बात करते हैं लास्ट वन की। लास्ट वन हमारे पास है जी विजुअल क्लेफ एक्सपेरिमेंट स्टडी कंडक्टेड बाय द इलनोर गिब्सन एंड द रिचर्ड वॉक स्टडी कंडक्टेड इन 1959 एट द कॉर्नल यूनिवर्सिटी डिटेल्स। To study depth perception in infant, they went to know if depth perception is learned behavior or it is something that we were born with। In order to study this, Gibson and Walk conduct a visual cleft experiment। इसमें जी थी बच्चे की जो है depth perception के बारे में जो है उसको evaluate करने के बारे में experiment किया गया था कि बच्चे के अंदर depth perception जो होती है वो by birth होती है या फिर eventually develop होती है, तो उसके ऊपर experiment किया गया था, उसको कहते हैं जी visual cleft experiment। ये थी जी हमारी आज की टोटल वीडियो जिसमें मैंने आपको सारे एक्सपेरिमेंट बताए हैं। थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई होंगी तो उनको इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।